दोस्तों नमस्कार, मैं सौरभ गोस्वामी। ललितपुर में एक हाई प्रोफाइल एक है कि दुष्कर्म का मामला सामने आया, जिसमें बड़े बड़े लोगों के नाम हैं। एक नाबालिग लड़की ने शहर कोतवाली में प्रार्थना पत्र दिया है, उसके आधार पर ललितपुर पुलिस ने FIR दर्ज कर ली है। 28 के नाम हैं, जिसमें से राजनीतिक लोग भी हैं, दो पार्टी के जिलाध्यक्ष हैं, कुछ उसके घर के खुद हैं। पुलिस मुकदमा दर्ज करने के बाद विवेचना आरंभ कर दी है। पीड़िता के बयान भी हो चुके हैं, बयानों के आधार पर अब पुलिस धरपकड़ में लग चुकी है। कई लोग गिरफ्तार भी हो चुके हैं। इसके साथ साथ DIG का ललितपुर में आगमन हुआ। DIG के आने के बाद पुलिस पूरी तरीके से सक्रिय है और लगातार धरपकड़ के लिए टीमें बनी हैं और वो छानबीन कर रही हैं। जैसे ही DIG का ललितपुर में आगमन होता है, उससे पहले ही जब पुलिस यह खबर लगती है लोगों के लिए कि गिरफ्तारी आरंभ हो चुकी हैं, तो कई लोग फरार हो चुके हैं। दोनों ही राजनीतिक पार्टी के जिलाध्यक्ष भी फरार हो चुके हैं। पुलिस ने ललितपुर SP के नेतृत्व में चार टीमें बनाई हैं, जो फरार लोग हैं उनकी धरपकड़ के लिए। तो वहीं समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने, जो झांसी के जिलाध्यक्ष उनके नेतृत्व में, ललितपुर SP को ज्ञापन दिया और निष्पक्ष जांच की मांग की है। उसके साथ उन्होंने कहा है कि हमारी पार्टी के जिलाध्यक्षों को फंसाया जा रहा है। समाजवादी हो चाहे BSP हो, दोनों ही ज्ञापन दिए हैं। कोरोना की गाइडलाइन का उल्लंघन करने, धारा 144 और पीड़िता की जानकारी उजागर करने में ललितपुर पुलिस ने 455 लोगों पर मुकदमा दर्ज किया है, जिनमें से 251 जो लोग हैं उन्हें धारा 144 और कोरोना की गाइडलाइन का उल्लंघन करने में। इसके साथ साथ 204 लोग जो हैं उन्होंने धारा 144 और पीड़िता की जानकारी उजागर करने पर मुकदमा दर्ज किया है। ललितपुर पुलिस एक्शन में नजर आ रही पूरे घटनाक्रम पर, और ललितपुर SP निखिल पाठक के सख्त आदेश हैं, किसी को बख्शा नहीं जाएगा और अगर कोई निर्दोष है तो पूरी जांच प्रक्रिया के बाद ही उसके बारे में कुछ चर्चा की जाएगी। लगातार SP पूरे घटनाक्रम पर नजर बनाए हैं, DIG घटनाक्रम पर नजर बनाए हैं, और अब ये पूरा तरीके से हाई प्रोफाइल मामला है, जिसमें जो आरोपी हैं वो फरार हैं, कुछ पकड़े भी गए हैं। तो वहीं पूरे घटनाक्रम को देखते हुए और जिस प्रकार से पूरा हाई प्रोफाइल मामला है, उसको लेके ललितपुर पुलिस ने पीड़िता के घर की सुरक्षा और बढ़ा दी है। पिछले 4 दिनों से वहां पर पुलिस की तैनाती है, लेकिन जिस प्रकार से घटनाक्रम बढ़ता जा रहा है और राजनीतिक लोगों के नाम है, तो सुरक्षा और बढ़ाना आवश्यक थी और कई लोग इसकी मांग भी कर रहे थे। तो वहीं राजनीतिक पार्टी के कुछ लोग खुलकर इस चीज की बात कर रहे हैं कि CBI जांच होनी चाहिए और तत्काल गिरफ्तारी होनी चाहिए, ये भी बात सामने आई है। तो कहीं कुछ महिलाएं भी अपनी बात रख रही हैं कि कोई निर्दोष ना फंसे और उस पीड़िता के साथ अगर कुछ गलत हुआ है तो उसे न्याय भी मिले। देखने वाली बात होगी कि ललितपुर पुलिस जो भी फरार आरोपी हैं उन्हें कब तक पकड़ती है और क्या ललितपुर SP पूरे घटनाक्रम को मीडिया के सामने लेकर आएंगे। जो आरोपी पकड़े जाएंगे, जो फरार हैं, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, ये देखने वाली बात होगी। पूरे घटनाक्रम पर हमारी नज़र बनी हुई है, पल पल की हर अपडेट हम आप लोगों के बीच में लेकर आएंगे। नमस्कार।